स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और नेतृत्व में सिर्फ 40 महीनों में बनी। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने की और एक दूरगामी परिकल्पना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चरणों में नर्मदा नदी के किनारे सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच एक 17 किलोमीटर लंबी फूलों के उपवन की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इस पूरे प्रांगण को, इस पूरे परिसर को, इसको विकास करने की और इसको आगे बढ़ाने की भी परिकल्पना, एक बहुत ही दीर्घकालीन परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और बनाई गई रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित, वनस्पतियों से भरपूर एक अनोखी वैली ऑफ फ्लावर्स। इस वैली ऑफ फ्लावर्स में लगभग 600 एकड़ में 113 अलग अलग ब्लॉक्स में बहुत सारे मिलियंस ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज लगाए गए हैं। लगभग 2.5 मिलियन 25 लाख पौधे और पेड़ इसमें लगाए गए हैं, जिसके अंदर 115 प्रजातियों के पौधे हैं, 92 प्रजातियां वो पेरेनियल हैं और बाकी की 23 प्रजातियां जो सीजनल हैं। इन पहाड़ियों पर भी बड़ी ही मोटी तादाद में हम प्लांटेशन करने वाले हैं। एक पहाड़ी में हम अमलतास के पेड़ों को लगाने वाले हैं, जिससे ये पहाड़ी आने वाले वर्षों में पीले कलर की हो जाए। एक पहाड़ी के ऊपर टेसू का प्लांटेशन करने वाले हैं, जिससे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट मार्च और अप्रैल महीने के अंदर हो जाए। तो ये बड़ी एक दीर्घकालीन परिकल्पना है इस पूरे परिसर को, इस पूरे प्रांगण को डेवलप करने की, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आदेश के अनुसार गुजरात सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसके बारे में बहुत रुचि ली जा रही है। और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, जिसने ये डैम बनाया है, साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, इसके हजारों कर्मचारी और अधिकारी इसको दीर्घकालीन रूप में डेवलप करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर 24 लाख पौधे लगाए गए हैं इस वैली ऑफ फ्लावर्स में। अलग अलग थीम पार्क्स और गार्डन्स हैं यहाँ। इसमें जितना भी काम हुआ है, लगभग 4 लाख मानव दिन का काम हुआ है, और आसपास के 17-18 गांव के लगभग 1840 परिवारों ने, जो आदिवासी परिवार हैं, उन्होंने इसमें से आजीविका ली है और सारा काम उन्हीं के माध्यम से किया गया है। भारत वन यूनिटी इन बायोडायवर्सिटी का प्रतीक है। एकता वन, जहां भारत के सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों के पौधे लगाए हैं। पंचेंद्रिय वन, जहां आप देखकर, सुनकर, स्पर्श करके सुंदर प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठा सकते हैं। और हाँ, बटरफ्लाई गार्डन तो भरा हुआ है दर्जनों प्रजातियों की तितलियों से। कैक्टस गार्डन, देश विदेश के कैक्टस और सक्यूलेंट से आपका परिचय कराएगा। इस वैली ऑफ फ्लावर्स का भी जो एक संदेश है, वो यूनिटी एंड बायोडायवर्सिटी है। यहाँ पर ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स सह अस्तित्व में है, ये सब साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। वो यही संदेश देता है कि जिस तरह से भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग सभ्यताएं हैं, लेकिन साथ में भारतवर्ष एक है, उसी तरह से प्रकृति में भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे फूल, वो यूनिटी एंड बायोडायवर्सिटी है, और वो यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स में को एग्जिस्ट करते हैं। ये एक संदेश वैली ऑफ फ्लावर्स का है। और भी बहुत कुछ बन रहा है यहाँ पर। विश्व वन, जंगल सफारी, बच्चों का न्यूट्रिशन पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन के बाद कुछ देर बिताइए तो वैली ऑफ फ्लावर्स में।